डायटम्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हमने लास्ट में रिप्रेजेंट किया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द डायटम्स डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन सम ऑफ द डायटम्स हैप्लॉयड होते हैं। तो मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दो तरह के डायटम्स। पहला केस, इफ डायटम्स आर डिप्लॉयड, अगर वो डिप्लॉयड हुए तो। और सेकंड केस है, इफ डायटम्स आर हैप्लॉयड, क्योंकि डायटम्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें गोल्डन ब्राउन एल्गी हम इंक्लूड करते हैं, तो उनमें से कुछ डायटम्स हैप्लॉयड है और कुछ डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड का मीनिंग होता है सिंगल सेट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ओके, हैप्लॉयड का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए पहले तो, कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है विच पजेस अ सिंगल सेट ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, उनका एक ही सेट प्रेजेंट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल क्रोमोसोम 7 है और 7 के 7 डिफरेंट क्रोमोसोम है, एक दूसरे से अलग है, कोई भी एक दूसरे का कॉपी नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे कि वो हैप्लॉयड है। 1 to 7 क्रोमोसोम सब अलग अलग है, ओके, एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए वो डिफरेंट क्रोमोसोम, उसका एक सिंगल सेट आपको हो जाएगा हैप्लॉयड। लेकिन जैसे हम में ह्यूमन बीइंग्स में 1 to 22 क्रोमोसोम्स, पूरे टोटल 23 डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 1 to 22 ऑटोसोम होते हैं और उनकी एक एक पेयर, उनकी एक एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट रहती है, तो पेयर्ड है हमारे पास में 22 क्रोमोसोम, वो हो गए 42, और सेक्स क्रोमोसोम की एक पेयर मिलती है, वेदर XX और XY, डिपेंडिंग अपॉन फीमेल और मेल। ओके, फीमेल में XX और मेल में XY, इस तरह से मिलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हम डिप्लॉयड हैं, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट क्रोमोसोम के दो सेट्स हैं। Diploid, it means diploid organism का मतलब होता है कि ऐसा organism जिसमें two sets होते हैं of different chromosomes के दो sets रहेंगे, मतलब हर एक chromosome के लिए एक extra copy रहेगी। Okay, extra copy रहेगी। जैसे पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो उनमें 7 डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। ओके, 1 to 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, और 1 to 7 डिफरेंट क्रोमोसोम और उनकी एक एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, 7 और 7 14, 1 to 7 डिफरेंट है, और उन जो फर्स्ट है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी है, सेकंड की एक एक्स्ट्रा कॉपी, ऐसे 7 तक सबकी एक एक कॉपी है, तो टोटल 14 है बट वो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो हमें जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग 46 है लेकिन हम डिप्लॉयड है, 23 क्रोमोसोम्स की कॉपी है हमारे पास में, उसको बोलते हैं डिप्लॉय। तो अगर कोई डिप्लॉयड डायटम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ओके, तो इसका जो पेरेंट होंगे, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, इसके जो पेरेंट है, ओके, मेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर फीमेल को इससे, तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, तो क्या है, कैसे वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का केस में पढ़ रहे हैं। डिप्लॉयड है मतलब 2n है उनके पास में सेल्स के अंदर, दो सेट्स हैं, डिप्लॉयड के लिए हम जो दो सेट्स है उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं।
हैप्लॉइड को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी सेल में क्रोमोसोम कंटेंट 2n है, मतलब डिप्लॉइड है। अब आप मुझे बताओ बेटा कि गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड? गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड? यस, किसी स्टूडेंट ने बोला हैप्लॉइड, वेरी गुड। शायद यशश्री का माइक ऑन है, यशश्री ने बोला क्या? यस सर। गुड बेटा, माइक म्यूट कर दो बेटा फिर अब। ओके गुड, यशश्री ने करेक्ट आंसर बोला है यहाँ पर, हैप्लॉइड। ओके, गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ये नोट करके रख लो आप लोग, दो स्टेटमेंट हमेशा नोट करके रख लो यहाँ पर गैमेट और जायगोट के लिए। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड जायगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड। ओके, ये स्टेटमेंट नोट कर लो आपकी कॉपी में। ओके, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड एंड कंटेनिंग व्हाइल जायगोट्स आर ऑलवेज डिप्लॉइड टू एंड कंटेनिंग। ओके, ये ध्यान रखो। तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेजेस होती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड सिंगामी फ्यूजन। तो यहां पर गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट फॉर्म किए इसने एन कंटेनिंग गैमेट। तो पेरेंट सेल है डिप्लॉइड टू एन, और डॉटर सेल्स में मतलब कि जो गैमेट्स बन रहे हैं, इन गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं बेटा? पेरेंट सेल में 2n है क्रोमोसोम का नंबर, और डॉटर सेल्स में जो गैमेट्स बन रहे हैं उनमें कितना नंबर है? अरे पेरेंट सेल में 2n है और गैमेट्स के अंदर क्या लिखा है हमने? 4n। एक गैमेट सेल में बेटा, इच गैमेट सेल में कितने कितना आ रहा है? वन एन, वन नहीं एन, एन टू, एन नंबर के क्रोमोसोम है ना, वो वन हमेशा वन थोड़ी होगा। डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम कितने, अगर वो ह्यूमन की ह्यूमन बीइंग के लिए ह्यूमन मेल में अगर इधर 46 होते हैं, 2n = 46, तो n = 23 होता, वो वन नहीं होता। ओके, एन नंबर बोलना है आपको, हैप्लॉइड एन नंबर। गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, तो एन, तो पेरेंट सेल में 2n है और डॉटर सेल में n आए। यशश्री बेटा माइक ऑन है, यस सर, आंसर देने के बाद मैं माइक म्यूट कर दूंगा। तो पेरेंट सेल में 2n है और डॉटर सेल में मतलब गैमेटिक सेल में n है, तो ये बताओ कि गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या फिर इक्वल है? गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के कंपैरिजन में इक्वल है, बढ़ रहा है, ओके, या फिर रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज होना चाहिए ना बेटा, 2n से n बन रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो डिवीजन होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन, RD, रिडक्शनल डिवीजन। और क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करवाने वाला डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस। इसलिए डिप्लॉइड सेल से जब भी हैप्लॉइड सेल्स बनेगी तो उसको हम कहेंगे रिडक्शनल डिवीजन, ओके, मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर भी मियोसिस, इट मींस रिडक्शनल डिवीजन लगने वाला है, RD, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, ये फर्स्ट आपको नोट होना चाहिए। सेकंड, अब गैमेट बन गए, गैमेटोजेनेसिस हो गया,
तो रिप्रोडक्शन में फिर गैमेट बनने के बाद में होता है सिंगामी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होगा और जायगोट बनाएगा। जायगोट ऑलवेज कैसा होता है बेटा, अभी अभी आपको लिखवाया, डिप्लॉइड। यस, डिप्लॉइड। तो जायगोट होगा डिप्लॉइड। ओके, तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होकर के NN2N बनाया। ये सेकंड वाला सेकंड फीमेल गैमेट के साथ में 2N बनाएगा। थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, तो ऐसे जितने भी मेल गैमेट्स है अवेलेबल फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूजन करके डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करेंगे। ओके, अब ये तो डिप्लॉइड जायगोट बन गया, इससे आप पैर प्रोजेनी डेवलप होने वाला है, नया डायवर्टम वहां पर बनने वाला है। तो जायगोट है डिप्लॉइड और इसके पेरेंट भी डिप्लॉइड थे, इसलिए ये भी बनेगा डिप्लॉइड। जैसे पेरेंट का कंपोजिशन होता है वैसा ही, जैसे पेरेंट के पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो प्रोजेनी के पास में भी, ह्यूमन बीइंग्स में भी वैसा ही होता है। ह्यूमन के पेरेंट्स के पास में 46 क्रोमोसोम है तो उसके पास में 46 क्रोमोसोम आते हैं। ऐसा नहीं होता कि फादर के पास में 46 है, मदर के पास 46 है तो 92 हो जाएंगे, नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है वहां पर, 46 46 से 23 23 वाले गैमेट बनते हैं और 23 23 वाले गैमेट फ्यूज होकर के 46 वाला जायगोट बनाते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में। ओके, और फिर वहां से वो बेबी अपनी जायगोट से नई सेल्स बनाता है। तो मल्टी सेलुलर होते हैं ह्यूमन बीइंग, इसलिए उसमें माइटोसिस डिवीजन होकर के मेनी सेल्स बनाएगा, सेम नंबर क्रोमोसोम के रखेगा। लेकिन क्या डायटम्स मल्टी सेलुलर है? मल्टीसेलुलर है डायटम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं बेटा? नो नो सर। प्रोटिस्टा, हाँ, प्रोटिस्टा के मेंबर कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ना, सिंगल सेल वाले। तो देयरफॉर जायगोट एक सिंगल सेल है। अब इससे जो डायटम ग्रो होगा वो भी सिंगल सेल होगा, मतलब इसमें कोई डिविजन नहीं होगा क्योंकि डिविजन से सेल का नंबर बढ़ता है। माइटोसिस से सेल का नंबर डबल होता है, मियोसिस से सेल का नंबर 4 times हो जाता है हैप्लॉइड होकर के। तो यहाँ पर सेल का नंबर नहीं बढ़ाना है, जायगोट बन गया तो उससे बस केवल प्रोजेनी डेवलप करना है। तो जायगोट में अब कोई डिवीजन नहीं होगा, मतलब डिप्लॉइड जायगोट अगर बन गया तो डिप्लॉइड सिंगल सेल वाला ही बनाना है प्रोजेनी को। तो फिर ये ग्रोथ करेगा बस ओनली, और ग्रोथ करके फिर अब ये प्रोजेनी में डेवलप हो जाएगा डायटम में। ओके, प्रोजेनी डायटम यहां पर बन जाएगा। इस तरह से डिप्लॉइड पेरेंट्स में, डिप्लॉइड डायटम्स में रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है बेटा इतना? समझ में आया क्या? सही, एक बार स्टार्टिंग से बेटा, डिप्लॉइड पेरेंट्स है तो बेबी भी कैसा बनना चाहिए? अरे आपके मदर फादर में 46 क्रोमोसोम है तो आपके पास में कितने क्रोमोसोम है बेटा इस सेल में? आपके पास में कितने क्रोमोसोम है बेटा इच सेल में? 46 है ना। और जिसको डाउट है, जो पूछ रहा है, उसको पहले आंसर देना चाहिए। 46, तो 46 क्रोमोसोम है तो मतलब पैरेंट डिप्लॉइड है, तो उसका प्रोजेनी भी वैसे ही बनना चाहिए सेम क्रोमोसोम वाला, तभी तो उसी स्पीसीज का मेंबर बचेगा। उसके अगर क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाएंगे तो फिर वो तो दूसरी स्पीसीज का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, 46 की बजाय अगर 92 क्रोमोसोम हो जाए या 50 हो जाए या फिर कुछ अलग हो जाए वहां पर, तो एक्स्ट्रा जीन बढ़ जाएंगे उसमें, और एक्स्ट्रा जीन तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर बढ़ जाएंगे, और एक्स्ट्रा कैरेक्टर बढ़ जाएंगे तो फिर वो सेपियंस कैटेगरी को वाला थोड़ी रहेगा, फिर वो होमो सेपियंस थोड़ी रहेगा, फिर वो कुछ और बन जाएगा। तो सेम स्पीशीज का मेंबर होने के लिए उसको क्रोमोसोम वहां पर, अबाउट क्रोमोसोम वहां पर सेम रखना पड़ते हैं, अदरवाइज कुछ कैरेक्टर उसमें कम या ज्यादा हो सकते हैं, फिर उससे वो दूसरी स्पीशीज का मेंबर भी बन सकता है। इसीलिए जनरली क्या होता है कि डिप्लॉइड पेरेंट का बेबी डिप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड पेरेंट का बेबी हैप्लॉइड बनेगा। तो डायटम्स में हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेजेस आती है, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन।
तो मेल और फीमेल पैरेंट 2n है, इसका फर्टिलाइजेशन होकर के नया 2n वाला बनना चाहिए। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट जो बनते हैं वो ऑलवेज हैप्लॉइड बनते हैं, और हैप्लॉइड गैमेट्स डिप्लॉइड पैरेंट से बन रहे, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उस डिवीजन का नाम हमने रखा रिडक्शनल डिवीजन, जिससे गैमेट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2n से n बन रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डिवीजन लगेगा रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शनल डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स बन गए मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के 2n सेल बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं जायगोट। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है जायगोट। जायगोट ग्रोथ करके, क्योंकि वो 2n बना है, इसको भी 2n ही बनना है प्रोजेनी को, वहां पर डायटम को, तो अब वो डिविजन नहीं करेगा, सिंगल सेल वाला यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटिस्ट, तो इसलिए जायगोट में डिविजन नहीं होगा, अब ग्रोथ होगी और वो ग्रो करके डायट वापस बन जाएगा डायटम 2n वाला डिप्लॉइड। समझ में आया बेटा, जिसको डाउट था, जिसको फिर से पूछा था जिसने, ओके। अब हैप्लॉइड के लिए, पैरेंट हैप्लॉइड है, मेल पैरेंट और फीमेल पैरेंट हमने कहा दोनों हैप्लॉइड है, मतलब एन एन कंटेनिंग सेल है उनके पास, एन एन कंटेनिंग। अब उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है और उनके जैसे ही एन वाला वहां पर बेबी बनाना है, वहां पर डायटम बनाना है। तो हैप्लॉइड पेरेंट्स में आपको पता है गैमिट जो बनते हैं, गैमिट्स ऑलवेज कैसे बनते हैं बेटा, गैमेट्स ऑलवेज कैसे रहते हैं, लिखवा दिया ना अभी दोनों पॉइंट्स, हैप्लॉइड हैप्लॉइड, तो गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, तो एन से एन बनाना है, मतलब अब जो डिवीजन करना है उसमें क्या क्या चाहिए, हैप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, एन से एन मतलब क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रखना है, पेरेंट सेल में जितना है उतना ही आना चाहिए, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, n by 2 नहीं बन सकते, गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं, ऐसा हमने कहा था, ओके? तो पेरेंट सेल में n क्रोमोसोम है और डॉटर सेल्स में भी, मतलब जो गैमेट बन रहे हैं उनमें भी n क्रोमोसोम ही रहते हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है, अब इधर रिड्यूस हो रहा था, इधर 2n से n बन रही थी, यहाँ पर तो पेरेंट सेल ही n है और गैमेट ऑलवेज एन बनते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला डिवीजन लगाना पड़ेगा, मतलब मियोसिस नहीं होगा, अब होगा इक्वेशनल डिवीजन, ईडी, और इक्वेशनल डिवीजन को हम कहते हैं माइटोसिस। तो हैप्लॉइड पेरेंट से जब गैमेट बनाने होते हैं तब डिवीजन लगता है माइटोसिस, ओके? मतलब इक्वल क्रोमोसोम नंबर वाली सेल्स बनाने के लिए हमेशा माइटोसिस लगता है, और जब क्रोमोसोम का नंबर हाफ करना है, रिड्यूस करना है, तब मियोसिस डिवीजन लगता है, ये ध्यान रखना। तो गैमेट्स बन गए, अब गैमेट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होगा जायगोट, इनसे बनेगा जायगोट, जायगोट बनेगा एन और एन से 2n, जायगोट ऑलवेज 2n होता है, लेकिन ये पेरेंट्स थे हैप्लॉइड, तो डायटम जो नया प्रोजेनी बनना चाहिए इनका, वो कैसा बनना चाहिए, पेरेंट्स अगर हैप्लॉइड है तो इनका प्रोजेनी कैसा बनना चाहिए, हैप्लॉइड बनना चाहिए कि डिप्लॉइड बनना चाहिए, हैप्लॉइड 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 बनना चाहिए, क्योंकि पेरेंट अगर हैप्लॉइड है तो पेरेंट में जितने क्रोमोसोम नंबर उतने ही उनके क्रोमोसोम प्रोजेनी में क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए। तो अब 2n से n बनाने हैं हमें, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होना है या इंक्रीज होगा या फिर इक्वल रहेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ना, वेरी गुड, तो डिक्रीज मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, मतलब ऐसा जैसे 2n से n में बना था, तो मतलब अब रिडक्शनल डिवीजन लगेगा। तो जब हैप्लॉइड पेरेंट होते हैं तब जायगोट बनने के बाद जो प्रोजेनी बनेंगे, हैप्लॉइड प्रोजेनी बनना चाहिए, उसके लिए रिडक्शनल डिवीजन होता है जायगोट में, मतलब मियोसिस होता है। जब जब जायगोट में मियोसिस होता है
उस फिनोमेनन को हम बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो इवन हम हैप्लॉइड अल्गी में, हैप्लॉइड फंजाई में भी पढ़ेंगे इसको, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट बनता है, जाइगोट 2n होता है, और अगर उस 2n वाले जाइगोट से हैप्लॉइड प्रोजेनी बनानी है तो मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस। तो यहाँ पर प्रोजेनी बनी, लेकिन अब यहाँ से 4 प्रोजेनी बन गई, यहाँ से एक ही प्रोजेनी बन रही थी, यहाँ पर डिविजन हो रहा है मियोसिस, और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है। ओके, ये ध्यान रखना, माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती है। यहाँ पर प्रोजेनीज बन गई, डायनो, यहाँ पर डायटम्स, और ये सभी हैप्लॉइड है। अब ये आगे ग्रो करेंगे और डायटम्स बन जाएंगे ग्रोथ करके, ठीक है, इनमें बस अब ग्रोथ होगी, यूनिसेलुलर है तो 4 सेल से 4 डायटम्स बन जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। Yes, sir. Okay, बेटा। डायटम्स कंप्लीट हो गया, नंबर 2 लिखो। डायटम्स की क्लास थी क्राइसोफाइटा, अब नंबर 2 क्लास पायरोफाइटा, डायनोफ्लेजेट्स की क्लास पायरोफाइटा। नंबर 2 क्लास पायरोफाइटा, पायरोफाइटा के मेंबर्स को पायरोफाइट्स कहते हैं, लेकिन पायरोफाइट्स को कॉमनली पायरोफाइट्स आर commonly known as dinoflagellates. इनके लिए famous term है dinoflagellates. Okay. Habitat. Mostly aquatic, okay? और उसमें से भी aquatic region में से भी mainly मिलते हैं sea water form. Okay? तो वहां पर sea water में यहाँ पर ज्यादातर मिलते हैं, कुछ मिलते हैं fresh water bodies में, while few dinoflagellates are freshwater forms. Okay. कुछ मरीन है और कुछ रिवर वगैरह में, पॉन्ड वगैरह में मिल सकते हैं, तो फ्रेश वाटर फॉर्म। ये यूनिसेलुलर है क्योंकि ऑल प्रोटीज यूनिसेलुलर है, ओके, माइक्रोस्कोपिक है। डायटम डायनोफ्लेजलेट्स को हम फाइटोप्लैंकटन टर्म देते हैं, ओके, इंक्लूडेड अंडर फाइटोप्लैंकटन्स। Along with diatoms.
along with diatoms. तो phytoplanktons में diatoms, dinoflagellates इनको include करते हैं diet. वहाँ पर एक phytoplankton term use करते हैं. Phytoplanktons, phyta और phyto या phytes इसका मतलब होता है plant से related. Related to plant or plant life. Planktons, planktons का मतलब होता है those aquatic organisms which float on water surface. Okay? So planktons का मतलब होता है planktons, aquatic organisms, मतलब वो water organism, water में grow हुए aquatic organisms which floats on water surface. Okay? Float करना और swim करना दो अलग अलग चीजें हैं. Swimming में action लगता है, energy लगती है. Okay? While floating passive process होती है बिना energy के. Water current उनको जो है बहा करके ले जाता है. तो float करना मतलब बस water surface पर पड़े रहना. जिधर वाटर करंट आएगा, लहरें आएगी, उधर वो लेकर के जाएगी. इसको बोलते हैं फ्लोट करना. तो ऐसे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर सरफेस पर रहते हैं उनको प्लैंकटन कहते हैं. ओके? और अगर वो प्लांट लाइक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको फाइटोप्लैंकटन कहते हैं. तो हम आपको पता है कि हम यहाँ पर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ रहे हैं, क्राइसोफाइट, पायरोफाइट एंड यूग्लिनॉइड्स को, तीनों को, डायटम, डायनोफ्लेजेट और यूग्लिना. तो डायटम्स के साथ में डायनोफ्लेजेट्स को भी फाइटोप्लैंकटन्स में रखते हैं. एक टर्म होती है नेक्टॉन्स. जैसे प्लैंकटन्स पढ़ रहे हैं ना आप, वैसी एक टर्म आपको आती है फिर नेक्टॉन्स. नेक्टॉन्स का मतलब होता है नॉन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म which can float on water surface or adhere on it. Okay? Nectons क्या होते हैं? Non-aquatic organisms. Non-aquatic organisms. Non-aquatic, मतलब वो वाटर बॉडी में नहीं ग्रो करते, बाहर ग्रो करते, टेरेस्ट्रियल है. नॉन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच फ्लोट ऑन और एडहर ऑन और एडहर ऑन वाटर सरफेस. नेक्टन्स का कोई एग्जांपल बता सकते हैं बेटा आप में से? देखा है कभी आपने ऐसा कोई नॉन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर की सरफेस पर रुका हो या फिर सर तैर रहा है? सर यस बेटा. सर पेन लाइट चल रहा है सर, थोड़ा सा बोट शाइन कर रहा है. क्या हो रहा है? शाइन हो रहा है सर, लाइट दिख रहा है. लाइट दिख रहा है? कहाँ लाइट दिख रहा है बेटा? सर मार्कर लाइट दिख रहा है. मार्कर लाइट दिख रहा है? हाँ बेटा, मेरे इस पर तो यहाँ पर तो प्रॉपर दिख रहा है. वहाँ पर तब आप सर वहाँ पे लिखते हो ना सर, तब नहीं नहीं मैं आप मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ. नहीं सर, जब Lectons... आप लिखते हो ना तब लाइट दिखता है सर. अभी कैसा दिख रहा है बेटा? अभी समझ में आ रहा है कि आपको लिखा हुआ अभी जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा है या नहीं बेटा आपको? यस सर. हाँ तो लिखते समय शायद फिर शेड वहां पर जो लाइट है उसके कारण शेड वहां पर होता होगा और इसलिए वो लाइट दिखता होगा बेटा उस टाइम पर लिखते टाइम पर. ओके सर. हाँ अगर आपको बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं पढ़ते आ रहा है अभी तो आप मुझे बता सकते. नो सर अभी दिख रहा है. ओके सर. ओके बेटा. हाँ तो नेक्टन्स का कोई एग्जांपल बता सकता है बेटा? क्या आपने कभी ऐसा कोई
नहीं देखा टेरेस्ट्रियल एनिमल या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो वाटर सरफेस पर फ्लोट कर सकता है या एडहर कर सकता है? सो फिश फिश बोलो फिश 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 नॉन एक्वेटिक है क्या? सर टर्टल 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 नॉन एक्वेटिक है? क्रोकोडाइल सर दोनों है। क्रोकोडाइल भी नॉन एक्वेटिक है क्या? नॉन एक्वेटिक सर लीव प्लांट सर वो मॉस्किटो टाइप इंसेक्ट टाइप रहता ना वो एक मॉस्किटो भी तो है ना बेटा फिर मॉस्किटो भी वाटर सरफेस पर एडर कर सकते हैं ना वो ऐसे उनके पैरों की हेल्प से ऐसे रुकते हैं ना वहां पर वाटर सरफेस पर मॉस्किटो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स क्या बेटा वाटर स्ट्राइडर तो स्पाइडर वगैरह भी रह सकती है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट नेक्टॉन्स की कैटेगरी में आते बेटा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स वहां पर नेक्टॉन्स की कैटेगरी में आते हैं ओके क्योंकि वो वाटर सरफेस पर फ्लोट कर पाते हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे जो ऐसा कर पाते वाटर सरफेस पर फ्लोट उनको हम फाइटोप्लैंकटन्स कहते हैं ठीक है सॉरी प्लैंकटन्स कहते हैं और ऐसे प्लैंकटन जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं उनको फाइटोप्लैंकटन्स कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते उनको ज़ूप्लैंकटन्स कहते हैं इसी तरह से ऐसे नॉन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो वाटर सरफेस पर फ्लोट करेंगे लेकिन वो नॉन एक्वेटिक है मतलब वाटर बॉडी में नहीं ग्रो होते तो वो नेक्टन्स कहलाते हैं ठीक है लाइक मॉस्किटो स्पाइडर एंड्स ओके तो आप इसे एग्जांपल दे सकते नेक्स्ट इन द सेल वॉल तो जैसे हमने डायटम्स के लिए कहा था कि डायटम्स के सेल वॉल सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ओके सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोला था और वो सिंगल सेल सिंगल लेयर थी सिलिका और सेलुलोज से बनी हुई सिंगल लेयर थी और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी डायटम्स की सेल वॉल लेकिन डायनोफ्लेजलेट्स में टू लेयर से बनती है उनकी सेल वॉल डायनोफ्लेजलेट की सेल वॉल टू लेयर से बनती है ये एक लेयर हो गई और ये दो पार्ट्स में से दिखते डिस्टिंग्विश तो एक आउटर लेयर होती है सेल वॉल की और एक इनर लेयर होती है दो लेयर्स तो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी और कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स दो लेयर से बनेगी आउटर लेयर सेलुलोजिक होती है मतलब सेलुलोज से बनती है ये जो बाहर वाली लेयर है ये सेलुलोज से बनी इनर लेयर पेक्टिन से बनती है ओके पेक्टिन से बनती है इसलिए इसको बोलते हैं सेल वहां पर पेक्टोसेलुलोजिक लेयर पेक्टोसेलुलोजिक लेयर ओके
इस तरह से बनेगी। क्लियर है बेटा? फिर इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट, और फ्लैजेला का नंबर होता है टू। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम टू फ्लैजेला मिलते हैं, बट कुछ डायनोफ्लैजेलेट ऐसे होते हैं जिनमें फ्लैजेला का नंबर 2 to 8 होता है। सम डायनोफ्लैजेलेट 2 to 8 फ्लैजेला, और जो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं उनमें से एक फ्लैजेलम लॉन्जिट्यूडनली ग्रो करता है और दूसरा फ्लैजेलम ट्रांसवर्सली। ओके, तो एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेलम है और दूसरा ट्रांसवर्स फ्लैजेलम है, तो इसलिए इनकी जो मॉर्फोलॉजी वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो इनमें जो फ्लैजेलेशन होगा उसको हम बोलेंगे हेटरोकॉन्ट फ्लैजेलेशन, हेटरोकॉन्ट फ्लैजेलेशन। जैसे हमने डायटम्स में पढ़ा था, डायटम्स में फ्लैजेला यूजुअली अब्सेंट होते हैं, ओनली रिप्रोडक्टिव सीजन के टाइम पर, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर उनमें फ्लैजेला आते हैं। ओके, और जब वो आते हैं तो दो होते हैं और दोनों इक्वल साइज शेप के, मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको हमने कहा था आइसोकॉन्ट फ्लैजेलेशन। यहां पर दो फ्लैजेला अगर है तो दोनों अलग अलग होंगे, दो से ज्यादा भी है तो भी वो सब अलग अलग होंगे, इसलिए हेटरोकॉन्ट फ्लैजेलेशन। और ये दोनों फ्लैजेला वाटर में मूवमेंट के लिए यहां पर एक दूसरे के साथ में वहां पर ऐसे घूमेंगे, पर वाटर को रिपेल करके वहां पर मूवमेंट करेंगे। तो ये इसी तरह से घूम रहे हैं जैसे कि कोई बोट में बैठ करके वो व्हिप्स चलाता है। ओके, वर्लिंग व्हिप्स, व्हिप्स चलाता है, ठीक है, जिस चप्पू जिसको बोलते हैं, नाव में बैठे क्या कभी बोट में बैठे हैं, या फिर बोट देखी होगी ना आप लोगों ने मूवीज में या फिर किसी सीरियल में, ठीक है, तो उसमें उसमें बोट को चलाने के लिए अगर वो किसी मोटर से नहीं चल रही है, ओके, डीजल से या फिर कोई मोटर से बैटरी से नहीं चल रही है, तो वो उसमें वहां पर ऐसे लकड़ी के या लोहे के दो बड़े बड़े ऐसे चप्पू रहते हैं, व्हिप्स जिसको कहते हैं, और एक एक ह्यूमन बींग फिर उसको जो है नाव चलाने वाला वो क्या करता रहता है, उसको हिलाता है इस तरह से, तो वो चप्पू हिलते हैं और पानी को जो है वो आगे धकेलते हैं, तो उसमें जो है उसके कारण, फोर्स के कारण जो बोट होती है, नाव होती है, वो भी आगे जाती है, मूव करती है। तो उसी तरह से यहाँ पर ये डायनोफ्लैजेलेट्स ये व्हिप्स की तरह काम करते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, तो दोनों वहां पर वाटर को वहां पर मूवमेंट करवाते हैं, इसलिए इनको वर्लिंग व्हिप्स भी बोलते हैं, वर्लिंग व्हिप्स फ्लैजेलेशन। वर्लिंग व्हिप फ्लैजेला और वर्लिंग व्हिप फ्लैजेलेशन किसमें मिलेगा, तो आपको आंसर देना है डायनोफ्लैजेलेट्स में। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। डन? Sir, done. Good bit. नेक्स्ट, फिर इसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, तो हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक होते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स भी, तो फोटोसिंथेसिस होगा इसमें। सर सर मिटाया क्यों? क्या बेटा मिटाया क्यों, मतलब मिटाया क्यों सर? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट मात्र।
बेटा मैंने आपको दो बार पूछा कि स्क्रीनशॉट हो गया क्या, आपकी तरफ से आंसर आया है इसलिए मैंने मिटाया अभी, और कब तक ठीक है आप सर, लोग ठीक है ठीक है। तो जिसने स्क्रीनशॉट लिया है बेटा ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि जिस स्टूडेंट को लिखना बाकी रह गया होगा वो लिख लेगा, ठीक है। किसने लिया था स्क्रीनशॉट? किसने लिया था बेटा स्क्रीनशॉट? किसी ने लिया था बेटा स्क्रीनशॉट? लिया है। यस सर। हाँ तो ग्रुप में सेंड कर देना बेटा, ताकि जिसका बाकी है वो नोट कर लेगा। बेटा अगर हम बोर्ड से मिटाएंगे नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला कैसे लिखेंगे, आप लोगों को ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप केवल स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में भले नोट करना तो नोट कर लिया करो, या फिर मैं प्रॉपर समझाते समझाते लिखता हूं तो आप वन 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 बाय वन पॉइंट आप लिख सकते हो आप। नेक्स्ट, अब न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेटिक है, ओके? लेकिन फोटोसिंथेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट है इसके पास, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, ओके? क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन डी डी आने के कारण यहाँ पर कलर अब ज्यादा ग्रीन नहीं होगा, तो इसलिए इनके अलग अलग कलर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में दूसरे पिगमेंट भी प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, तो कैरोटीनॉइड्स कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट मतलब इसमें कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स इंक्लूड होते हैं। तो डायनोफेजेट में डायनो वहां पर डायडिनो ज़ैंथिन इस तरह के पिगमेंट वहां पर प्रेजेंट होते हैं, बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण इनका कलर, डायनोफ्लेजलेट्स के कलर अलग अलग होते हैं, कुछ डायनोफ्लेजलेट रेड कलर के होते हैं, कुछ ब्लू कलर के डायनोफ्लेजलेट होते हैं, कुछ डायनोफ्लेजलेट का कलर ग्रीन रहता है, कुछ का ब्राउन और कुछ का येलो, ओके? जबकि हमने पढ़ा था डायटम्स का गोल्डन ब्राउन कलर होता है ओनली, ओके? लेकिन डायनोफ्लेजलेट में वैरायटी ऑफ पिगमेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में अलग अलग पिगमेंट मिलते हैं, इसलिए उनका कलर अलग अलग दिखता है। तो कुछ डायनोफ्लेजलेट रेड कलर के, कुछ ब्लू कलर के, कुछ ग्रीन कलर के, कुछ ब्राउन और कुछ डायनोफ्लेजलेट येलोइश कलर के दिखते हैं, और इनमें से क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है इसलिए फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाएंगे, तो लाइट तो सनलाइट हमेशा अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ये कुछ एक्सेस में फूड बनाएंगे और उस फूड को फिर स्टोर करके रखेंगे। जैसे डायटम्स में हमने लिखा था क्राइसोलेमेरिन स्टार्च, वैसे यहाँ पर फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट और ऑयल, ये फैट और ऑयल के फॉर्म में फूड्स स्टोरेज करते हैं, ओके? फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट और ऑयल। इनका एक एग्जांपल है गोनियोलक्स। गोनियोलक्स ये जो डायटम है डायनोफ्लेजलेट है, गोनियोलक्स डायनोफ्लेजलेट, तो गोनियोलक्स डायनोफ्लेजलेट रेड कलर का होता है, और जब फुल मून कंडीशन होती है, फुल मून मतलब पूर्णिमा की कंडीशन जब होती है ना, पूरा चांद खिलता है पूरा, तो फुल मून कंडीशन में
गोनियोलक्स ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं ज्यादा नंबर में, और फिर ये वाटर सरफेस पर फाइटोप्लैंकटन है तो वाटर सरफेस पर ज्यादा दिखेंगे, और ज्यादा दिखने का टाइम पर फुल मून कंडीशन में आपने आप लोगों ने पढ़ाई होगा 9-10th में कि फुल मून कंडीशन में क्या होता है कि लहरें ऊपर उठती है, ज्यादा उठती है, ओके? तो उस टाइम पर वो टाइड्स लहरें रेड कलर की दिखाई देगी गोनियोलक्स के ज्यादा मल्टीप्लीकेशन के कारण, इसलिए गोनियोलक्स कॉजेस रेड टाइड्स। अगर आपको पूछा कि रेड टाइड्स के लिए रीजन क्या है तो आप बोलोगे गोनियोलक्स। गोनियोलक्स रेड कलर का डायनोफ्लेजेट है जो फुल मून कंडीशन के टाइम पर ज्यादा ग्रो करता है, इसलिए जब वहां पर जो लहरें उठेगी वो लहरें रेड कलर की दिखाई देगी, ओके? लेकिन अगर आपको रेड सी का रीजन पूछा तो उसके लिए रेड अल्गी रिस्पॉन्सिबल है, रेड सी के लिए रेड अल्गी, तो अल्गी में पढ़ेंगे हम वहां पर रेड अल्गी, तब हम रेड सी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर डायनोफ्लेजेट्स पढ़ रहे हैं, तो गोनियोलक्स के कारण डायनोफ्लेजेट जो गोनियोलक्स है उसके कारण रेड टाइड्स कॉज होती है। गोनियोलक्स एक और काम करता है, गोनियोलक्स एक पॉइजन सीक्रेट करता है सेक्सिटॉक्सिन, ये पॉइजन है। तो गोनियोलक्स फाइटोप्लैंकटन है, बहुत ही छोटे है, माइक्रोस्कोपिक है, तो जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनके ऊपर कुछ मोलस्क, मोलस्कन शेल्स वाले एनिमल्स, मोलस्क शेलफिश, ओके, और कुछ ट्रू फिशेस, छोटी छोटी फिश जो रहती है वो, और वहां पर शेलफिश, शेल मतलब कि वो मोलस्क है, ओके, ट्रू फिश नहीं है, तो वो फीड करते हैं, और जब वो उनको खाते हैं तो उनके अंदर ये पॉइजन जाता है। तो गोनियोलक्स इसीलिए पॉइजन सीक्रेट करते हैं कि ज्यादा ना खा पाए उनको, उनकी पॉपुलेशन बनी रहे। अगर ज्यादा खा लिया तो इनके कारण उनकी डेथ हो जाती है शेलफिश की, शेलफिश पॉइजनिंग बोलेंगे हम उसको, इस पॉइजन के कारण शेलफिश की डेथ हो सकती है। लेकिन अगर कभी कभार होता है कि किसी शेलफिश ने कम गोनियोलक्स को खाया है, कम नंबर्स में गोनियोलक्स को खाया है, तो वो शेलफिश नहीं मरती, और फिर ऐसी शेलफिश जिसमें कि कुछ गोनियोलक्स खाने के कारण सेक्सिटॉक्सिन एक्युमुलेट हुआ है उसको अगर कोई ह्यूमन बीइंग खाए उस शेलफिश को, तो ह्यूमन बीइंग्स में पैरालिटिक अटैक आता है। ह्यूमन बीइंग्स में पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है? तो SFP शेलफिश पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गोनियोलक्स। एक डायनोफ्लेजेट होता है नॉक्टिलुका, नॉक्टिलुका ये बायोलुमिनेसन शो करता है, बायोलुमिनेसेंस। कल बताया था नेविकुला के टाइम पर कि नेविकुला भी बायोलुमिनेसेंस शो करता है, लेकिन नेविकुला के कंपैरिजन में नॉक्टिलुका प्रॉपर बायोलुमिनेसेंस शो करता है, वो कभी कभार नेविकुला बायोलुमिनेसेंस शो करता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन बायोलुमिनेसेंस शो करता है और उसमें अगर नेविकुला और नॉक्टिलुका दोनों में से एक चूज करना पड़े तो आपको नॉक्टिलुका बेस्ट आंसर है, ओके? लेकिन अगर दोनों वाला आंसर है तो फिर आप बोथ वाला ले सकते हैं, लेकिन नॉक्टिलुका को प्रिफर करना है आपको, ध्यान रखना है। मतलब ये खुद लाइट इमिट करता है, ओके? लाइट प्रोड्यूस करने वाले लिविंग बीइंग्स वहां पर उनको हम बायोलुमिनेसेंट बोलते हैं, और ऐसा फिनोमेनन जिसमें कोई लिविंग बीइंग लाइट इमिट करता हो खुद उसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। नॉक्टिलुका बायोलुमिनेसेंस शो करता है। लास्ट में रिप्रोडक्शन, इसमें भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायटम के जैसा इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के डायनोफ्लेजेलेट हो सकते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ओके? तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हैप्लॉइड पेरेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन,
और डिप्लॉइड पेरेंट्स के लिए रिप्रोडक्शन वो आप फिर से यहाँ पर भी उसी तरह से होता है। ओके ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये क्लास पायरोफाइटा कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे युगलिना के बारे में। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर नोट करते हुए अगर उसका कुछ पार्ट रह जाता है, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, तो ग्रुप में जो भी स्क्रीनशॉट लेते हैं उनको रिक्वेस्ट कर दिया करो, तो ग्रुप में वो सेंड कर देंगे, तो आप लोग वापस से नोट कर सकते हैं। ओके बेटा चलो बाय, टेक केयर, कल हम पढ़ेंगे युगलिना के बारे में। यस सर, बाय।